काश कुछ ऐसा होता कि छठ पूजा में घर आने के बाद वापस लौटने की जल्दी नहीं होती। अपने घर आकर लापरवाही से फेंक देते अपना सामान जो इकट्ठा किया था हमने अपने गांव घर को छोड़ने की कीमत पर। तितर बितर कर देते अब तक सहेज कर रखे गए कुछ खोखले सपनों को, जिनके पीछे भागते भागते कुछ खोखले से हो गए हैं हम भी। काश कुछ ऐसा होता कि छठ पूजा में घर आने के बाद वापस लौटने की जल्दी नहीं होती। अपने बैग में रखी कुछ चीजों को बिखराने पर उन्हें फिर से सहेजने की फिक्र नहीं होती। अनगिनत रिश्ते, चीजें और यादें खो देने से ज्यादा गिनती के कुछ सामानों में ही हमारी छोटी सी दुनिया न होती। काश काश कुछ ऐसा होता कि छठ पूजा में घर आने के बाद वापस लौटने की जल्दी नहीं होती। हम रोकना सुन लेते गांव के घर पर पड़ रही दरारों का और रुक जाते उसे सहेजने के लिए। घर की देहरी को लांघते हुए हमारे पैर ठिठक जाते और हम वापस जा ही नहीं पाते। काश काश कुछ ऐसा होता कि हम हर साल छठ पूजा अपने घर पर ही मनाते। इस बार छठ पूजा अपने घर परिवार के साथ अपने गांव में मनाइए, तभी तो ये परंपरा बनी रहेगी, तभी तो हमारे गांव घर में पहले जैसी रौनक बनी रहेगी। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।